ऑडियंस का वक्त आ चुका है, इनसे सवाल लेंगे, इनके जवाब देंगे। सबसे पहले किसके पास है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज कायनात रहीम। कायनात रहीम, कायनात आप कहाँ से आई? सर मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अरे माशाल्लाह, और क्या करती हैं कायनात? सर मैंने बीएस अभी बीएस माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ठीक, अभी यस, वेरी गुड। सवाल सर मेरा क्वेश्चन सर रजाक से है कि सर जो मुल्तान सुल्तान के अभी जो मुल्तान सुल्तान टीम के जो प्लेयर हैं मोहम्मद अली, तो सर वो पीएसएल मैच में तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, डेफिनेटली देखें, अभी सेंट्रल पंजाब से जब मैं हेड कोच था इसको हम लेके आए थे और इसको वन डे भी खिलाए हमने, फोर डे भी खिलाए, काफ़ी इम्प्रूव किया इसने। और इस पीएसएल में अलग है, टफ है कंडीशन बॉलर्स के लिए, जैसा कि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको भारत ट्रॉफी जगह पे चांस देना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, कई कई जगह पोस्ट देखी है कि मोहम्मद अली को इंटरनेशनल ना खिलाएं, उनके लिए नुकसान देगा, क्यों कह रहे हैं लोग? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं चल रही है मार्केट में बात चल रही है। इनको ना ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई। आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि इनका बॉल भी बहुत अच्छा स्विंग कर रहा है, अच्छा राइज कर रहा है, डेफिनेटली चांस देना चाहिए क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए फास्ट बॉलर्स की। जाहिर बात है, हारिस रऊफ की वजह से स्पेस भी एक क्रिएट हुई है। ठीक है, अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई, क्या नाम है आपका? सर नुमान साहब। नुमान भाई आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूं। हारिस भाई, ओ तावेश से पूछे, दो शादी थी की? नहीं नहीं, क्यों नुमान सैफ की जैसे कह रहे? नहीं नहीं, ये जो है नहीं। अरे यार रजाक भाई बैठे तो नुमान भाई, मैंने ये भी सुन रखा है कि आपकी अभी अभी कल परसों में शादी हुई है। जी, परसों परसों शादी हुई है और आज आप यहाँ बैठे। वाह, ये देखो, ये परसों ही निकले थे, परसों ही निकले थे। तो भैया अभी तक कैसी फील हुई? बहुत अच्छा, जबरदस्त। तीन दिन हुए अभी, आप इसे बात कर सकते? अच्छा, उनके पास अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं ये? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे इन्होंने क्या दिया मुंह दिखाई में? क्या दिया, अपना ही मुंह दिखा दिया या कुछ दिया? नेकलेस सेट हैं? नेकलेस सेट, नेकलेस टाइप, नेकलेस सेट। अच्छा, नेकलेस सेट दे दिया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से काम करते हैं? जी टीचिंग, टीचिंग करते हैं माशाल्लाह से। सुना भाभी नाराज भी हैं? जी ऐसे ही है। क्यों? कल का दिन भी लाहौर कलंदर्स का मैच था और मैंने इन्हें टाइम देने के बजाय मैच को टाइम दिया, और आज भी लाहौर कलंदर्स का मैच था और फिर मैंने लाहौर कलंदर्स को टाइम दिया बेटा। आप बदकिस्मती से दोनों दिन मैच हार गए, मैच को बढ़ गया तो हारेंगे। अब इनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं कि ये किसी को टाइम दे। भाभी आप ये क्या कर रही हो? लड़का ऐसे आजाद छोड़ा हुआ है आपने, इतनी अच्छी आपने हील्स पहनी हुई है, इनको सिर्फ चलने के काम लाएंगी आप? लड़का हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मुझे यकीन आ गया। अब आप तीसरी बार कहेंगे तो झूठ लगेगा। बहरहाल अल्लाह आपकी जिंदगी मुबारक करे, इसी तरह चलते रहे भाईजान, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और टाइम दो यार, यही टाइम होता है देने का? जी बाहर घूम रहे, आपके दोस्त भी आए हुए यहाँ पर? हाँ जी ऐसे ही है, दोस्त इनके दोस्त हैं। तालियां बजाएं मेरे भाई, अगले दो महीने तक ये आए भी तो वापस भेज देना यार, घर पे टाइम बुला रहे यार आप। ठीक है भाभी, ऐसे हल्का नहीं छोड़ना इन्हें। हाँ, अगला कौन है भाई? कौन है हल्का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान आपकी भी शादी हुई है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप खाली आए हो? क्या नाम है आपका? मंजर आखिम। मंजर क्या करते? मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, वो सवाल पूछेंगे। जी जी, सोलर कैलेंडर में जो जितने भी मंथ हैं 30 या 31 डेज हैं उनके, सिर्फ फेब के 28 क्यों हैं? अब से जाके पूछो, मैं क्यों बताऊंगा यार। इनको कंटेंट टीम में डालो। भाईजान कोई है? रजाक भाई पूछ रहे, सारे महीने 30-31 दिन के होते हैं, फरवरी थोड़ा छोटा सा है, क्यों? कोई आइडिया नहीं है? जैसे रूल है, रूल है, नहीं नहीं, जैसे फिंगर, आप पांच फिंगर हैं, अब ये देखना, एक छोटी एक बड़ी है, छोटी इस तरह करके है, तो ये क्यों है ये तो नहीं मैं कह सकता। रजाक बेटा इसलिए है क्योंकि 365 दिन पूरे कर रहे हैं ना, तो किसी एक महीने से निकाल लेते दिन। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तुझे तुझे पता तो पूछ क्यों रहा है? बता दे, बताओ, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी? वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने तेरे दिन घटाए हैं। क्या बात है, ये आपने खुद लिखा है? ये आपने खुद लिखा है? नहीं नहीं, मेरा अपना नहीं है। अब भी अच्छा नहीं। अगला दो, कोई बात नहीं, खुद भी छोटे से हैं फरवरी जैसे, प्यारे से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम सनाउल्ला हाशमी। सनाउल्ला क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट, सवाल पूछेंगे आप या इलाज करके चले जाए? सर नहीं, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि जब भी अली जफर पीएसएल का एंथम गाते हैं तो लाहौर कलंदर की पुरानी परफॉर्मेंस क्यों वापस आ जाती है? बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उस्मान भाई आप बताएं, क्या आप विशेष टिप्पणी देंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, ये अब अली जफर ना मेरे म्यूजिक की इतनी नॉलेज है, अली जफर भाई से कुछ मेरे ख्याल से कुछ होंगे, कुछ उनका चुनौती कुछ होगा क्या? रजाक भाई ऐसा क्यों, अली जफर जब भी अच्छा एंथम गाते हैं, जब भी गाते हैं अच्छा एंथम होता है, मगर लाहौर कलंदर हारना शुरू हो जाती है? ये अच्छा कनेक्शन निकाला लड़के ने? नहीं ये रीजन नहीं है, वो इतना अच्छा होता है प्लेयर नाचते रह जाते हैं। हाँ ये अच्छा, ये अच्छा। नहीं रीजन नहीं है, क्या है फिर? लाहौर को चाहिए सदका देना चाहिए। सदका देना चाहिए, ठीक है। अच्छा रीजन शाइनी कैप्टेंसी हो सकता है? नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हमें हो। सब हो सकता है, अली जफर का वो गाना गाना हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं आखिर तक ये पूछता रहूंगा क्यों, आप जवाब देना बेटा। आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। सिकंदर क्या करते हैं आप? सर जी बच्चों को तंग करता हूँ छोटे छोटे। क्यों बेटा? सर जी अच्छा लगता है बस, वैसे ही बच्चों को तंग करना जी बहुत लगे रहो इसमें नाम बनाओ सर, बच्चा बचना पाए। नहीं सर जी बच्चे नहीं चाहते। कोई सवाल? सर जी मैं कहना चाहूंगा कि जो शाहीन अफरीदी हैं आजकल उनकी जैसी परफॉर्मेंस है तो लोग उन पर बड़ा ट्रोल करते हैं, उनको ट्रोलिंग उन पर करते हैं, तो उनकी जो पहले दो सीजन में पहले जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है उन पर फिर उनको अच्छा कहते हैं, जब उन पर कोई बुरा वक्त आता है फिर उन पर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। तो अब जब उन पर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं तो उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। बताओ। कि किसी की नजर में अच्छे थे वाह, तो किसी की नजर में बूढ़े थे वाह, किसी की नजर में अच्छे थे तो किसी की नजर में बूढ़े थे, हकीकत में जो जैसा था उसकी नजर में हम वैसे, वैसे थे। वाह वाह वाह। अगला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर असद। असद भाई आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कॉमर्स, ठीक है। कोई सवाल पूछेंगे सर? मेरा पैनल से सवाल है। पैनल से कि अगर आप लोग मैच जीत जाते हैं तो आप अपने साथ स्टेडियम में किसको देखना चाहेंगे सेकंड नंबर पे? एचएमएच कब की बात हो रही है? एचएमएच की बात। मरियम तुमसे पूछूंगा, उस्मान भाई आपसे बाद में पूछूंगा। मरियम अगर आप जीत गए तो सेकंड नंबर पे कौन होना चाहिए? मैं तो कहती हूं फर्स्ट नंबर पे उस्मान को होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपने अभी से हार मान ली। वेरी गुड। कायना सेकंड नंबर पे किसको देखेंगी अगर खुद अपने आप को फर्स्ट देखेंगी? उस्मान भाई। उस्मान भाई को। उस्मान भाई को। हीरा आप अगर फर्स्ट आ गए तो सेकंड नंबर पे आप किसको देखना चाहेंगे? मरियम। मरियम को देखना। रजाक भाई अगर आप फर्स्ट आ गए, इतना बुरा गेम हमने बना लिया कि आप फर्स्ट आ गए तो किसको सेकंड नंबर? ये हो ही नहीं सकता क्या? फर्स्ट आए अभी आप लास्ट वर्ल्ड कप में T20 वनडे के फर्स्ट आए तो अगर आप आ गए तो सेकंड कौन आए? कायनात। कायनात को फर्स्ट देंगे। वेरी गुड। उस्मान भाई आप फर्स्ट आ गए समझे, तो सेकंड कौन होना चाहिए? यार आप आ जाओ सेकंड, आप अच्छे हो। मैं क्यों सेकंड आऊंगा, मैं खुद अपना फर्स्ट चलूंगा। मरियम आप कह रही हैं उस्मान भाई, कायनात कह रहे उस्मान भाई, हिरा कह रही है मरियम, रजाक भाई कह रहे हैं मैं खुद फर्स्ट नहीं आ सकता तो सेकंड क्या हुआ? वेरी गुड। तो अब वक्त आ चुका है इनसे पूछते हैं और कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद वासिफ अली। क्या करते हो वासिफ? प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। वेरी गुड। सवाल? गजल लिख के लाया हूं आपके लिए एक। मेरे लिए? बताओ। छोटी सी होनी चाहिए लेकिन। दीदावर को मंजरों की खुशनुमाई चाहिए। वाह। दीदावर को मंजरों की खुशनुमाई चाहिए, हमको तो बस उसकी आंखों तक रसाई चाहिए। वाह वाह। हाथ में जब हाथ बाहम और आंखें मुत्तसिल, हाथ में जब हाथ बाहम और आंखें मुत्तसिल, फिर वो मुझसे बोले यूं के क्या तबाही चाहिए। वाह वाह। सोलह सो है उसके आशिक और अंधी फॉलोइंग। सोलह सो है उसके आशिक और अंधी फॉलोइंग, अब भी तू पूछेगा मुझसे क्यों जुदाई चाहिए। वाह वाह। तू जो जाना चाहता है बज़्मे ताबिश में अली। वाह। तू जो जाना चाहता है बज़्मे ताबिश में अली, एक आध अच्छी गजल तुझको भी आनी चाहिए। वाह बड़ा बहुत अच्छा है। वेरी गुड। ये किसकी है? आप मिलो मुझसे। ये किसकी है? ये किस बच्चे ने खुद लिखी? भाईजान मेरे लिए, मेरे लिए लिखी उसने। मैं पूछी। तीन लड़कियां पैनल पे मौजूद हैं, गजल मेरे लिए। देख लो। आप चेक करो। देख लो। नूर चेहरे पे इतना ही मेरे। अगला कौन? थैंक यू बेटा, लव यू। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? रफीउल्लाह खान अफरीदी और मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के सबसे खूबसूरत जिला स्टोर से। वाह सर, वेलकम टू। मेरा सवाल आप और रजाक भाई और तमाम उन मेहमानों से है कि
वहाँ गिलगित बल्तिस्तान जितना खूबसूरत है वहाँ पे नेचुरल जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, नेचुरल ब्यूटी है प्ले ग्राउंड, 10,000 फीट की बुलंदी पे, 13,000 फीट की बुलंदी पे, वहाँ पे पुलू फेस्टिवल्स होते हैं, फुटबॉल होता है, दिगर मैचेस होते हैं, मगर क्रिकेट क्यों नहीं होता है? क्यों भाई? आपने एक बार ये काम शुरू भी किया था रजाक भाई, अभी जो आपके मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हुए थे इस्लामाबाद, तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो क्रिकेट ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे और ट्रायल बेस पे एकेडमी बनाना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो हम जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं अगर विजिट करते हैं वहाँ पे, हाँ, डेफिनेटली वो फिर पैशन डेवलप होगा। रजाक भाई, आप एक वेटरन्स की टीम बना के गिलगित जाएं ना, वहाँ पे बहुत शौकीन है क्रिकेट के, खेलें वहाँ पे मैच जाके यार। बस थोड़ा सिक्योरिटी का भी है इशू, और अगर कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर आती है तो फिर डेफिनेटली हम जाएंगे। हाँ हाँ सर, गिलगित की जो जुबान है, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, क्या कहते हैं उसको? शीरा। हाँ शीरा, शीरा, उसके अंदर आई लव यू बोलने सर मुझे, मुझे सिर्फ एहतियात, भाभी भी आएंगी इसलिए। मुस्तुड लाए खुश तुम, ये आई लव यू ही है ना सर। इसके अंदर हल्का सा एजुकेटर। तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से सेम टू यू, लव यू सर।